बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो ये है मेरी सोसाइटी वीर सावरकर और इधर गणपति बाप्पा के दर्शन करवाने वाला हूँ। और आप देख सकते हैं आप तो पूरा श्रद्धा के आया हो, मैं भी दर्शन करूँगा ना 22 बिल्डिंग्स के और गणपति के बाप्पा के, और 22 गणपति और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गणपति है। तो चलो चलते हैं। तो गाइस ये है दमनगंगा एफ और ये देखो ये है इनके गणपति जो बहुत ही प्यारे जो सजावट करके रखी है। यार मेरी पर्सनल फेवरेट गणपति की मूर्ति है ये पूरे वीर सावरकर में से। आप देख सकते हो बहुत अच्छे गणपति इनने सजाए और आप ऊपर भी देख सकते हो, ऊपर भी वाइट लीव्स वगैरह बनाए हुए और देखो बहुत ही प्यारे और बहुत बड़े हैं। इधर आप देख सकते हो हाँ, और बहुत ही अच्छे अच्छे गणपति और इतनी बड़ी मूर्ति और ऊपर भी बहुत अच्छे झूले वगैरह करवाए हैं और बहुत कारपेट भी ग्रीन वाला है। और देखो कारपेट ग्रीन वाला और इतनी बड़ी मूर्ति और ऊपर से लाइटिंग वगैरह और नीचे भी एक मंगल मूर्ति है अब देखो। और यहाँ पे ये वो भी है और ऊपर दिखाओ यार, ऊपर तो मेन चीज़ है वाइट कलर के लीव्स भी इतने अच्छे अच्छे गणपति बप्पा के। ये जो हाथी होते हैं उनके सर भी वगैरह भी बहुत ज़्यादा प्यारे यार, मेरे फेवरेट, मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छे लगे पहले और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप देख सकते हो अभी मैं इधर पहले दर्शन वगैरह कर लूँगा। यार आप भी कर लो जाओ, ये देखो दर्शन करो वो देखो। चलो मैं भी दर्शन कर लेता हूँ गणपति बप्पा मोरिया। तो गाइस आपने ये देखे दमन गंगा के जो एफ बिल्डिंग है उसके गणपति और अभी हम दिखाएंगे दूसरे गणपति। तो चलो चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो ये 4 BHK का गणपति है और यहाँ पे 2 मंगल मूर्ति है और एक मेन मूर्ति जो गणपति बापा की है। बहुत ज़्यादा अच्छी सजावट इधर भी है, पीछे लाइटिंग वगैरह ग्रास वगैरह के जो वॉलपेपर होते हैं वो सब भी लगे हुए हैं और बहुत सारे फूल वगैरह भी है और बहुत अच्छे। इधर भी आप दर्शन कर लो क्योंकि आज आपको 22 और यहाँ पे देखो मेडिकल चेक वगैरह का भी है जो आप देख सकते हो यहाँ पे वेट वगैरह वगैरह चाय वगैरह। और इधर तो यार इधर भी नेक्स्ट लेवल की जो लाइटिंग वगैरह होके रखी है और आप देख सकते हो गणपति बापा के लिए फैन भी रखा हुआ है। तो गाइस हमने इधर तो दर्शन कर लिया आपने और अभी मैं आपको दिखाऊंगा 3 BHK के गणपति के दर्शन करवाऊंगा। तो चलो चलते हैं। तो गाइस मैंने आपको दिखाई जो 4 BHK के गणपति और यहाँ पे चुके गणपति देखने और आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इनने लाइटिंग वगैरह और इतनी ज्यादा स्टार लाइटिंग्स वगैरह और बहुत अच्छे अच्छे गणपति की मूर्तियाँ लाई है, मंगल मूर्ति वगैरह बहुत है और इधर बहुत अच्छे लगे मुझे ये मेरे पर्सनल फेवरेट, ये भी मेरे पर्सनल फेवरेट लगे। आप कमेंट में कहना आपको कैसे लगे। तो गाइस अभी हम तापी भी में आ चुके हैं, आप देख सकते हो इधर भी इतनी अच्छी अच्छी लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छे अच्छे यार वीर सावरकर वाले बहुत अच्छी सजावट करते रहते हैं। और आप देख सकते हो इधर DJ वगैरह साउंड वगैरह भी है और ये हमारे गणपति बाप्पा यार जो लग रहे हैं ना अये है मज़ा आ गया। और आप देख सकते हो पीछे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लटकाई हुई है और आप देखो पूरे कितने अच्छे अच्छे गणपति है। तो गाइस तापी पी के गणपति आपको कैसे लगे वो आपको कहना है मुझे कमेंट में और आपको ज़रूर ही कहना है कमेंट में क्या कि आपको कैसे लगते हैं गणपति। और आप देख सकते हो यार लाइटिंग जो मेरी पर्सनल फेवरेट लग रही है मुझे तो। और अब चलेंगे दूसरे जो 3 BHK इधर और बिल्डिंग है अभी बाकी, अभी तो ट्रेलर हुआ है तो चलो चलते हैं। गाइस अभी हम आए मिंडोला सी के गणपति देख रहे हैं, आप देख सकते हो इधर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे गणपति है और लाइटिंग भी बहुत अच्छी है और DJ भी अभी बज रहा है इसलिए और मजा आ रहा है। देख सकते हो यहाँ पे सब बैठे भी अभी, हेलो हेलो। और अभी ये भी बहुत अच्छे अच्छे गणपति है और आपको कहना है आपको मिंडोला सी के गणपति कैसे लगे ये आपको कॉमेंट में कहना है। और अभी हम चलते हैं और 3 BHK गणपति देख रहे थे, चलो चलते हैं। तो गाइस ये देखो ये है नर्मदा जे के गणपति और ये बारिश वगैरह की वजह से इनने जो फर्स्ट फ्लोर पे गणपति रखे और वाह वो गोल्डन मूर्ति कितनी अच्छी लग रही है, वाह यार ये भी बहुत अच्छी है। और इधर सजावट भी बहुत अच्छी करके रखी है, आप देख सकते हो ये लाइट वगैरह है। और आपको ये भी कहना है कमेंट में कि आपको कैसे लग रहे हैं, आपको सारे जो गणपति दिखाऊंगा उसमें सारे आपको कहने के कि आपको कौन से अच्छे लग रहे हैं और कमेंट में आपको कहना है वो उस बिल्डिंग का नाम आपको करना है और कहना है गणपति बप्पा मोरिया। तो चलो दूसरा गणपति देखने चलते हैं। तो गाइस ये है कोलक जी और किम एफ के गणपति, आप देख सकते हो चलो अंदर आओ। आपको ये देखो यार यहाँ पे जो मंडप है और जो लाइटिंग है एकदम मस्त लग रहा है। और ये देखो ये इधर के गणपति, गणपति बहुत ज्यादा प्यारे हैं और आपको ये भी कहना है कमेंट में। और ऊपर जो छतरी लगाई है वो भी बहुत डिजाइनिंग है और ये देखो बहुत सारी छतरियाँ लगाई है यार, ऐसी छतरी लाने जैसी है रे, बहुत अच्छी अच्छी लगती है पर ये बारिश में काम नहीं लगेगी। और आपको ये भी कहना है कॉमेंट में आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपको कमेंट में कहना है आपको जो बिल्डिंग के अच्छे लगे वो बिल्डिंग का नाम और गणपति बापा मोरिया ऐसा लिख के भेजना है। तो चलो अगले देखने। तो गाइस अभी हम आए हैं
वात्रक पे, वात्रक की जो गणपति बापा है उधर अंदर आओ। ये देखो कितने अच्छे गणपति है, आप देख सकते हो यहाँ पे लाइट्स वगैरह भी लगी हुई है, फैन भी है, और ये गणपति बापा की मूर्ति आप देख सकते हो, ये रेड वाली बहुत ज़्यादा प्यारी है आप देखो यहाँ पे। और आपको ये भी कहना है कमेंट में आपको कैसे लगे ये गणपति वात्रक वाले भी। तो चलो अभी ये हो रहा है 2 BHK का, हाँ ये मैं आपको कहना भूल गया, ये है 2 BHK के गणपति, अब से 2 BHK स्टार्ट हो रहा है, तो अभी 2 BHK सारे गणपति देखते हैं, चलते हैं। तो गाइस अभी हम आए विश्वामित्र के गणपति देखने, आप देखो यहाँ पे विश्वामित्र के अंदर है, आप देख सकते हो वाह भाई इधर के गणपति बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हो यार जो गणपति इतने मस्त लग रहे हैं ना गणपति, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी अच्छी लगाई है यहाँ पे, इतने सारा प्यारे है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे एप्पल का हार भी पहनाया हुआ है, और बहुत अच्छे अच्छे जो यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह, और ये पे ये मंगल मूर्ति है, और ये मेन मूर्ति जो गणपति बापा की, और बहुत अच्छी अच्छी सजावट करके रखी है। और अभी चलते हैं दूसरे गणपति देखने भाई, ये बनास के जो गणपति है उसके पास, और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में ही इधर इतनी ज़्यादा अच्छी अच्छी लाइटिंग है, ये देखो पेड़ पे भी लाइटिंग लगी हुई है सारी, और आप देख सकते हो अभी ये देखो ये है बनास के गणपति बापा, और यहाँ पे देखो सारे फूल वगैरह चढ़ाए हुए अभी, और बहुत अच्छे अच्छे गणपति, और वो देखो यार गणपति बापा की जो मूर्ति लाई है बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, आप देखो यहाँ पे सारी प्रसाद वगैरह है, और यहाँ पे ये बनास का, और आप चलो अभी नेक्स्ट गणपति देखने हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं मच्छू की जो गणपति है उसको देखने, आप देख सकते हैं यहाँ पे गेट पे भी इतनी अच्छी अच्छी सजावट करके रखी है, और ये देखो ये पंखा, और यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं ये है हमारे गणपति बापा, इतने प्यारे लग रहे हो, और वो जो हम पता है मूवियों में देखते हैं जो डिस्को बॉल वो इधर लगाई हुई है, आप देखो यहाँ पे, और यहाँ पे सब सजावट वगैरह बहुत प्यारी करके रखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये है मंगल मूर्ति, आप देख सकते हो ये भी छोटी मूर्ति है गणपति बापा की, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और आप देख सकते हो ये पूरी सजावट करके रखी है जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी मुझे, मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, आपको भी कहना है कमेंट में आपको कैसी लगी ये वाली मच्छू की सजावट। तो चलो अभी नेक्स्ट गणपति देखने चलते हैं। तो गाइस अभी मैं आया हूँ भादर जी पे, और ये देखो ये है इनके गणपति, यहाँ पे आ जाओ आप अंदर आ जाइए, आपको वापस एक और बार गणपति बापा के दर्शन, और आप देख सकते हो कितनी प्यारी लाइटिंग है, ये यहाँ पे देखो पीकॉक की जैसी मूर्ति है, और उसके पीछे गोल लाइटिंग तो आय हाय है जो ही अच्छा लग रहा है, और आप ऊपर भी देख सकते हो ऊपर भी बहुत अच्छी अच्छी सजावट हुई है आप देखो, और यहाँ पे है यहाँ पे दीवा वगैरह, क्योंकि अभी आरती का टाइम है इसके लिए अभी सब आ ही रहे होंगे, इसके लिए आप देख सकते हो यहाँ पे एप्पल वगैरह चढ़ाए हुए हैं, और ये मंगल मूर्ति, ये गणपति बापा की मूर्ति अपने। तो चलो अभी नेक्स्ट मूर्ति की तरफ। तो गाइस अभी हम आए हैं सरस्वती डी में, आप देख सकते हो ये इनके गणपति बापा, यहाँ पे स्पीकर वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं, और आप देख सकते हो ये भी मैंने आपको कहा ही था आरती के टाइम में, इसलिए यहाँ पे आरती का सामान भी रखा हुआ है, और ये देखो ये दो मंगल मूर्ति, और ये है गणपति बापा की मूर्ति, आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा प्यारी गणपति की मूर्ति है। और अभी हम जाएंगे मेसवा के जो गणपति के है उसको देखने, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम आए हैं मेसवा के गणपति, बहुत ज़्यादा प्यारे, आप देख सकते हो इधर इतनी सारी अच्छी अच्छी सजावट कर रही है, यहाँ पे मटकी वगैरह भी है, और आप देख सकते ये है हमारे गणपति बापा, गणपति बापा मोरिया, ये देखो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग भी बना के रखा है, वो भी राइस से, सोच रहे हो राइस से, और आप देखो ये थोड़ा प्रसादी वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, और अभी पूजा भी होगी, और ये है मेसवा के गणपति, और मेसवा के भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, और हम अभी हम हमारे बिल्डिंग के गणपति दिखाएंगे साबरमती के, तो चलो साबरमती के गणपति देखते हैं। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ साबरमती के गणपति देख रहे, आप देख सकते हो यहाँ पे साबरमती ये गणपति है, बहुत ज़्यादा प्यारे, लाइटिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी करके रखी है, सजावट तो बहुत ज़्यादा, पीछे भी बहुत अच्छी अच्छी सजावट करके रखी है, और ये है हमारे गणपति बापा जो आप देख सकते हो, ये रही मूर्ति, और उसके आगे ही है हमारी मंगल मूर्ति, आप देखो यार बहुत ज़्यादा प्यारी मूर्ति है, और आज तो सारे ढोल वगैरह भी बहुत बज रहे हैं, आप देख सकते हो सारे बजा रहे, और ये देखो ये है हमारा जो यहाँ पर स्पीकर वगैरह भी रख के रखे, क्योंकि यहाँ पर सब नवरात्रि वगैरह है, अरे नवरात्रि की तरह ही खेलते सब, गरबा डोडिया वगैरह सब खेलते हैं ना दयाबेन की तरह, डीजू इसके लिए ऐसे खेलते हैं इसलिए, और ये अभी रात को सब बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऐसे सारी बिल्डिंगों में डीजे है, इसलिए सब रात को बाहर निकाल के गरबा वगैरह खेलते हैं। तो गाइस मैं आपको 4 BHK के गणपति, 3 BHK के गणपति और 2 BHK के गणपति दिखाए, आपको कैसे कौन से गणपति अच्छे लगे, कौन सी बिल्डिंग के अच्छे लगे वो आपको कमेंट में कहना है, और कहना है गणपति बापा मोरिया, और ऐसे कमेंट में आपको लिखना है, और आज बहुत ही ज़्यादा मुझे भी मज़ा आया सारे गणपति बापा के दर्शन करने में, आप देख सकते हो और सबकी लाइटिंग मूर्ति वगैरह वगैरह सजावट इतने प्यारे प्यारे की थी ना सबने, और इस व्लॉग को मैं इधर ही कर दूंगा एंड। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, बाय, पीस आउट।